अस्सलाम वालेकुम जेडी सो ब्लॉग की तरफ से आज एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हुआ। ब्लॉग तो नहीं है, पहले आपको बता मेरा इंटरटेनमेंट या आने जाने के जिस छोटे छोटे ब्लॉग बनाता हूँ इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा नहीं। तो आज मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि इतना बात थोड़ी सी करनी है, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं करना, कुछ बोरिंग बातें नहीं करनी, क्योंकि हम इंटरटेनमेंट के अलावा और बातें भी नहीं करते और इसके अलावा। लेकिन आज की खास बात, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं। आप सबको पता है कि सऊदी अरब रहता हूँ, थोड़ा सा उधर काम शाम ड्यूटी वगैरह करता हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की वीडियो भी बनाता हूँ। तो लेकिन कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर किसी के लिए दो वक्त की रोटी खाने के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है, गरीब बंदा क्या कर सकता है। यानी कि और उसके अलावा आजकल जितना पाकिस्तान में बिल कितने आ चुके हैं, लोग गरीब बंदे कितने बिल आ गए, वो रोज़ी खाने के लिए यानी कि कमाने के लिए भी तंग आ चुका है, उनके इतने खराजात हो चुके हैं। तो और दूसरा भी हम सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि आजकल खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन खुदकुशी करने हल तो नहीं है ना, खुदकुशी करना हल नहीं है अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाले छोड़ें, जिनका जिस जितना हाथ पड़ता है ना, तो वो उतना आकर्षण कर रहा है, वो सियासतदान वो अपनी जितना करते, अगर छोटा सा क्लर्क भी है तो वो भी जितनी उसका हाथ पड़ता है वो भी कर रहा है करप्शन। तो इस वजह से खुद अगर हम अपने और आने वाले यानी कि बच्चों या जो भी है खुद को चेंज करें और अपने फैमिली को चेंज करें, ये नहीं छोड़ें कि वो क्या कर रहा है, वो सब वो जो कर रहा है। इस वजह से खुद को चेंज करें ताकि हमें आसानी हो और दूसरे देखें, अपने और दूर को छोड़ दें, हमारे पड़ोसी देखें कि भूखा तो नहीं, अगर उसकी हेल्प करें, अगर वो कमज़ोर है उसकी हेल्प करें, उसे अगर वो उसका कारोबार नहीं चल रहा उस कारोबार में हेल्प करें, यानी कि हमारे इर्द गिर्द में जो देख रहे हैं उनकी हेल्प करें, ताकि आने वाला वो भी थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना अपने अपने लिए रोज़ी अच्छी कमा सके। तो हमें ये छोड़ दें खान साहब के लिए, साहब अगर खान साहब नहीं ये अगर खान साहब के लिए आप कह रहे हैं कि खान साहब आएगा, नहीं, अगर खान साहब भी आ गया लेकिन खुद वो ठीक करेंगे अपने लिए, लेकिन अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। खुदकुशी करने के लिए क्या खुदकुशी आखिरी हाल है? नहीं, अगर ऊपर से हम एक ऊपर दोजख ले रहे हैं और खुदकुशियाँ करने से अपने दोजख खुद खरीद रहे हैं, एक ऊपर हराम है, हम मुसलमान होने पर ये हम हराम है, तो ये आखिरी हाल नहीं है। अपने आप को चेंज करें ताकि आने वाले वक्त हम पर आसानी हो, खुद को अच्छी तरह चेंज कर लें। मेरे एक तो ये इस तरह की पहली वीडियो तो कंफ्यूज हूँ, तो सॉरी अगर मेरी कुछ बातें गलत लगी हों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो कभी बनाता हूँ, जिस तरह भी हो तो वो ऐसे ही बना देता हूँ, कोई इसमें एडिट वगैरह भी नहीं करता, तो सॉरी मदद। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वक्त। अब थोड़ी कुछ दिन मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इमोशनल टाइप नसीहत टाइप और कुछ बनाऊँगा, तो मदद और साथ इंटरटेनमेंट चलेगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर इट, तो अगर अच्छे लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद।